समृद्ध भारत के इस मंच से आप सबका यहाँ पर क्रांतिकारी इस्तकबाल करती हूँ। मजाज का एक शेर है जिससे मैं अपनी बात शुरू करना चाहती हूँ। तेरे माथे पे आंचल बहुत खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। मैं कोसी के इलाके से हूँ। कोसी यानी कि मच्छर का इलाका, पानी का इलाका और दलदल का इलाका, कीचड़ का इलाका। और जहाँ कीचड़ की बात होती है वहाँ कमल की भी बात होती है। कमल हमारे यहाँ भी खिलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ का कमल का रंग सफ़ेद होता है, गुलाबी होता है। हमारे यहाँ कमल केसरिया अभी तक नहीं खिला है, इसीलिए हमारे यहाँ का कमल शांति लाता है, वैमनस्यता नहीं लाता, सांप्रदायिकता नहीं लाता। ये वही मधेपुरा है जहाँ से मैं हूँ, ये वही मधेपुरा की धरती है जहाँ भूपेंद्र नारायण मंडल समाजवादी नेता पैदा हुए, चिंतक पैदा हुए, जिस आरक्षण की बात, जिस मंडल कमीशन की बात हम लोग लगातार ऐसे मंचों से करते हैं, मैं उसी मधेपुरा से हूँ। और यहाँ पर मैं अपना परिचय देने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पर आरक्षण और महिला आरक्षण पर संक्षेप में जो मेरे पास 4 या 5 मिनट हैं 6 मिनट हैं मैं उसमें उस पर अपनी बात रखूँगी कि मुझ जैसी, मैं एक बहुत साधारण किसान परिवार से आती हूँ और मुझे अब लगता है, रेट्रोस्पेक्ट में जाके मुझे लगता है कि यदि आरक्षण नहीं होता तो क्या मैं इस मंच पर होती, यदि आरक्षण नहीं होता तो क्या मैं इस दिल्ली का कभी चेहरा भी देख पाती, क्या आरक्षण नहीं होता और JNU जैसे संस्थान नहीं होते जहाँ पर डिप्रिवेशन पॉइंट मिलता है। डी राजा साहब यहाँ मौजूद हैं और हमें पता है कि यदि आरक्षण नहीं होता तो मुझ जैसी बहुत सारी लड़कियों का सपना सपना ही रह जाता, और वही मधेपुरा, सहरसा, सुपौल और ऐसे कई सारे इलाके हैं जिससे वो बाहर नहीं निकल पाती। तो आरक्षण क्या है और आरक्षण को लेकर जो अभी तमाम बहसें हो रही हैं कि कास्ट सेंसस, जाति जनगणना क्यों नहीं होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए, उस पर जो पूरी बहस है उस पर बात करने की ज़रूरत है। मुझे तो लगता है कि इस 700 या 800 हॉल, इस हॉल की कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी में हम बहुत कम संख्या में हैं। मैं इस पर किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि इस हॉल में इतने लोग क्यों नहीं है। बार बार इस प्रोग्राम को कैंसिल किया गया। कल रात के 12 बजे तक ये बात हो रही थी कि प्रोग्राम होगा या नहीं होगा। तो आप देखिए कि बहुजन को किस तरीके से आपको क्रश करने की कोशिश की जा रही है, आपके हौसलों को, आपकी जो ताकत है, आप जिस बुलंदी को छूना चाहते हैं उस बुलंदी तक हम ना पहुँचे, उस हौसलों को कैसे क्रश किया जाए। तो इसके लिए हम बहुजन जब तक अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे, चाहे वो आवाज़ आरक्षण को लेकर हो, महिला आरक्षण को लेकर हो, जाति जनगणना को लेकर के हो, रोस्टर सिस्टम को लेकर हो, नॉट फाउंड सूटेबल, एक टर्म बहुत आजकल फेमस हो रहा है, NFS, तो ये NFS की क्या प्रक्रिया है। मैं खुद इसकी भुक्तभोगी हूँ। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में 8 साल पढ़ा चुकी हूँ। जिस कॉलेज में मेरा चयन 3 साल पहले एडहॉक की सीट पर होता हुआ था, 3 साल बाद उसी सीट पर सेम कमेटी के द्वारा फिर से इंटरव्यू होता है और उसमें मुझे NFS कर दिया जाता है। ये NFS आज की बात नहीं है जिसमें बद्री नारायण साहब की बहुत आप लोगों ने चर्चा सुनी होगी कि कैसे सारे OBC सीटों को NFS कर दिया गया। तो ये बहुत नई बात नहीं है, इसको बार 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 लोगों तक पहुंचाने की बात है कि NFS क्यों किया जा रहा है। जनरल कैटेगरी में कोई NFS नहीं होता है, सारे विद्वान वहाँ हैं, लेकिन OBC में, SC ST में आपको NFS की सीटें मिल जाती हैं, कोई योग्य आपको मिलता नहीं है। तो ऐसे जितने भी, मैं आप सब बहुजन से, दलित भाइयों से, बहनों से, सबसे मैं गुजारिश करती हूँ कि जहाँ भी मौके आए हमें इन मौक़ों से चूकना नहीं चाहिए कि हम अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकें। दूसरी बात, मैं 33% महिला आरक्षण को लेकर कहना चाहती हूँ कि ये महिला आरक्षण बिल लाया गया,
ये कहा गया बीजेपी को जब चुनाव लड़ना था तो बीजेपी ने कहा हम महिला आरक्षण बिल लाएंगे, पास करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन आप तो दूसरा टेन्योर आपका आ गया है, अभी तक महिला आरक्षण बिल नहीं आया है। मुझे सुषमा स्वराज का, सोनिया गांधी का, वृंदा करात का एक पेपर में एक फ़ोटो आया था कि वो मुझे चेहरा बार बार वो पिक्चर मेरे जहन में आता है कि अलग अलग पार्टियों के होने के बावजूद भी सारे लोग गले मिल करके बहुत सेलिब्रेट किए थे कि अब महिला आरक्षण बिल आ गया है, अब ये पारित हो गया है, अब ये लागू हो जाएगा। लेकिन सुषमा स्वराज जी तो नहीं रही, स्वर्गीय हो गई, लेकिन उसके बावजूद जितने भी लोग हैं, जितने भी बीजेपी के लोग हैं, आप लोगों ने, आपने तो बहुत सारे वायदे किए थे, तो मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप इस महिला आरक्षण बिल को लेकर के आइए। आप क्यों डर रहे हैं, किस बात से डर रहे हैं? और अभी अभी उत्तर प्रदेश चुनाव होने वाला है, आपने उसमें देखा होगा कि प्रियंका गांधी ने कहा कि हम महिलाओं को 40% आरक्षण देंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिन जिन स्टेट में आपकी अपनी सरकार है या थी, आपने क्या वहां पर महिला आरक्षण दिया? प्लीज कंक्लूड। तो मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि हमें बहुजनों को अपनी आवाज़ को बुलंद रखना होगा, हम सबको एक नए सुबह के लिए तैयार रहना होगा। इनकलाब आएगा, रफ्तार से मायूस ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया।